दिल्ली से राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी फैला रही है देश में नफरत, तो बयानबाजी हो गई तेज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों से जारी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा की धमक दिल्ली में भी देखने को मिली। राहुल गांधी ने दिल्ली में बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ सियासी तीर चलाए और कहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम यानी नफरत की राजनीति करती है। राहुल गांधी के इस बयान पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया। कई पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और निशाना साधा। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। राहुल गांधी के सियासी वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को यात्रा में साथ लेकर राहुल गांधी कैसे भारत जोड़ने की बात करते हैं। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं, तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद के बयान के बाद सियासी बवाल तेज हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी और आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और साफ कह दिया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ नफरत फैलाने वाली है। देश के अंदर नफरत फैलाने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रखा है। कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात कौन करता है? गर्मी निकालने की बात कौन करता है? बुलडोजर चलाने की बात कौन करता है? पाकिस्तान भेजने की बात कौन करता है? लव जिहाद के नारे कौन लगाता है? ये सारे नफरत से भरे हुए नारे हैं जो देश को तोड़ने पर आमादा हैं। नफरत की दीवारों से परेशान नहीं है। 8-9 वर्षों में इस देश ने मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं की। कभी बुलडोजर, कभी हिजाब, कभी फलाना, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये हो क्या रहा है? आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसे हमारी सरकार अमृतकाल कह रही है। अमृतकाल में विष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विष भी घोला जा रहा, जहर है फिजा में। मुश्किल हो गया है लोगों का एतबार से एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने में। ये क्या हो रहा है? ये चिंता का विषय सिर्फ राहुल जी कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये सरकार के लिए भी होना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यहां कुटुंबों के बीच में दीवार क्यों? संसद में एक हमारे सदस्य ने पूछा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बताइए। कहा कि ऐसी कोई गैंग नहीं है, हमारे पास सूचना नहीं है। किसकी सुने? इन नेताओं की या संसद में सरकार के दिए गए बयान की? पहले वो तय कर ले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।